टॉपिक का नाम है डॉकर वॉल्यूम। कंटेनर्स में वॉल्यूम क्यों चाहिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। मशीन्स में वॉल्यूम पहले भी हम लोग ले रहे थे। ये क्या हुआ, तो वॉल्यूम हमें क्यों चाहिए, मैं आपको एक बात पूछूंगा, बताना मुझे, आंसर देना। जैसे ये हमारा आज से पहले जब कंटेनराइजेशन वर्ड नहीं था मार्केट में, तो हम वर्चुअल मशीन पे काम करते थे, ठीक है। ये हमारी वर्चुअल मशीन थी, ये स्टोरेज सर्वर था, और यहां से हम लोग करते क्या थे, डिस्क काटते थे हम लोग कि हमें 10 GB स्पेस चाहिए, और ये डिस्क को लाके हम लोग माउंट करते थे वाया नेटवर्क SKG या NFS जो भी था स्टोरेज सर्वर। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, वाई बेसिकली अर्लियर यू वर टेकिंग एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल स्टोरेज की हमें नीड पड़ती क्यों थी एक सर्वर के ऊपर? तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, आपको मालूम भी होगा वैसे सबको कि सर ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये कभी करप्ट हो गया तो जो डेटा है ना एप्लीकेशन का, जो लॉग्स थे, डेटा बेस थे, एवरीथिंग वी आर राइटिंग ओवर द सेपरेट स्टोरेज, सो इंस्टेड ऑफ द डेस्कटॉप मशीन इसे खत्म कर दो BM को, इसकी रिप्लेसमेंट एक नई मशीन लो और यहां से इस वॉल्यूम को उठाओ, यहां से यू माउंट करो और इसको वापस यहां माउंट कर लो। तो जो डेटा यहां से आपने राइट किया था, एक्सपायर जो भी था आपका, यहां से जो भी राइट किया था वो सब आपको यहां मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंसेप्ट था ना? हाँ भाइयों, आज क्या हो रहा है, आज भी वही प्रॉब्लम आने वाली क्या, कि जब आप ऐसा बोलते हो कि कंटेनर्स के अंदर ही वी आर रनिंग एप्लीकेशन, वी आर डिप्लॉइंग डेटाबेस सर्वर, तो अब मुझे एक बात का आंसर देना, ये MySQL का कंटेनर है राइट, और इसमें कोई एक्सटर्नल वॉल्यूम मैप ही नहीं है, कोई एड ऑन स्पेस इसके अंदर मैप ही नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट डेटा राइट कहां करेगा, ओवरले के अंदर। कंटेनर्स का रूट होता है अपना ओवरले, बैरले वाला पाथ, वहां राइट करेगा, और वो ओवरले जो लेयर होती है ना, उसके बारे में मैंने आपसे बोला था कि वो एग्जिस्ट कब तक है, जब तक कंटेनर चल रहा है। कंटेनर्स आपने डेस्ट्रॉय कर दिया तो डेटा क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। तो टॉपिक का कंसर्न ये है बेसिकली, हाउ यू विल बिकम परसिस्टेंट, कि सर कंटेनर्स में आने वाला डेटा जो है ना, वो मुझे एक सेपरेट वॉल्यूम पर राइट करना है। क्यों सेपरेट वॉल्यूम पर राइट होने से फायदा क्या हो जाएगा, कि कल को डॉकर होस्ट डाउन चला गया तो सेम कंटेनर्स आई विल लॉन्च ऑन न्यू डॉकर होस्ट, और जो वॉल्यूम यहां से इसको मिला था वो मैं यहां से हटा के कहां ले लूंगा इसके ऊपर, राइट। तो ये बड़ी लॉस हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो टॉपिक का कंसर्न ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेनर्स के ऊपर एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे माउंट करते हैं, डेटा को परसिस्टेंट बनाने के लिए, डेटा को सेपरेट रखने के लिए फ्रॉम कंटेनर्स लाइफ, दैट्स इट। सो वी वॉन्ट टू राइट सम डेटा इन कंटेनर्स, बट डेटा शुड नॉट बी राइट इन लोकल, डेटा शुड बी राइट ओवर द एक्सटर्नल वॉल्यूम, जिससे बेनिफिट ये होगा कल को कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कंटेनर्स आपका लॉस हो गया, बट डेटा शुड नॉट बी लॉस्ट, गॉट इट। तो जो वॉल्यूम यू आर प्रोवाइडिंग फॉर मशीन, सेम वॉल्यूम नाउ वी आर गिविंग ऑन कंटेनर, दैट्स इट। इतना खाली बस डिफरेंट आया BM को वॉल्यूम देने में और कंटेनर्स को वॉल्यूम देने में। स्टोरेज वाइज देर इज नो चेंज, स्टोरेज सर्वर जैसे मार्केट में पहले थे NFS, SKG, आज भी स्टोरेज तो ऐसे ही रहना है, हमें स्टोरेज से कोई चेंजेस हमको नहीं मिला कंटेनर्स के आने के बाद। फर्क इतना हुआ बस, स्टोरेज कैसा भी हो अगर कंटेनर को चाहिए स्पेस, तो कंटेनर डायरेक्टली किसी स्पेस स्टोरेज से बात ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता डायरेक्टली। कोई भी हो आप स्टोरेज, SKG, NFS, अमेजन का EVS, गूगल का GDisk, अजोर का जो भी आते हैं स्टोरेज, ओपन स्टैक का सिंडर, वॉल्यूम स्टोरेज कैसा भी हो, यू वॉन्ट प्रोवाइड फॉर कंटेनर, तो पहले आपको उस स्टोरेज को डॉकर होस्ट पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, पहले कोई भी वॉल्यूम डॉकर होस्ट पे आके अवेलेबल होगा, पहले यहां आके माउंट होगा, तब जाके ये इसको यूज कर सकता है अपने अंदर।
दैट्स इट। मेरा पॉइंट समझे आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? जी सर, पहले होस्ट पे आएगा, उसके बाद ही कंटेनर को विजिबिलिटी होगी नए वॉल्यूम की। क्योंकि कंटेनर्स के अंदर देयर इज ओनली एप्लीकेशन कंसेप्ट, कंटेनर डोंट हैविंग कंसेप्ट ऑफ एनएफएस क्लाइंट, एसकेजी क्लाइंट, क्लस्टर क्लाइंट, सेंडर क्लाइंट, क्या होते हैं इनको जानता नहीं है। वो तो एप्लीकेशन लेवल की अंडरस्टैंडिंग रख के बैठा हुआ है। तो जब तक चीजें कर्नल लेवल पे नहीं आएंगी, सो नोबडी कैन टॉक विद द स्टोरेज। स्टोरेज को पहले कम्युनिकेशन देने के लिए पहले कर्नल लेवल पे लाना पड़ता है आप लोगों को, राइट? ठीक है, तो फ्रॉम स्टोरेज साइड देर इज नो चेंज। स्टोरेज मशीन में कैसे अटैच होते हैं वो भी आज भी कॉमन वे है, जैसे पहले अटैच कर रहे थे हम लोग एसकेजी को, एनएफएस को, वो कंसेप्ट आज भी है सेम। मेरा कंसर्न क्या है, मुझे बताना है कि बस उस स्टोरेज को कंटिन्यूस के अंदर कैसे पहुंचाते हैं हम लोग। तो सर इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा लाइव करके दिखाओ इस तरह से, जो आपने बताया ये स्टोरेज सर्वर है, ये डॉकर होस्ट है, और इस मशीन को डैश कर दो फिर। तो इसको लाइव देखना है आपको, तो एक काम कर लो अभी क्लाउड में, जो बच्चे क्लाउड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लाउड दे आल्सो प्रोवाइडिंग सेपरेट स्टोरेज सर्वर विच इज कॉल्ड, ऐड करके देनी है आपको। हाँ मैं अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग कराऊंगा वहां से, तब ऐड करना, सबको दिखाना ना मुझे प्रॉपर क्या हो रहा है ना। एक मिनट बस होल्ड कर लो। सो अभी मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि मेरी कंपनी में एक एक्सटर्नल स्टोरेज सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है। ये सर्वर क्लाउड की बात करूं तो क्लाउड में अभी इसको बोलते हैं ईवीएस। ईवीएस देयर इज एन स्टोरेज सर्विस विच प्रोवाइड बाई अमेजन क्लाउड विच इज कॉल्ड ईवीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इट इज सेपरेट स्टोरेज नेटवर्क बेस्ड ब्लॉक डिस्क है ये। आपको जितना स्पेस चाहिए ईवीएस से बोलो, ईवीएस आपको वॉल्यूम देगा बना के। तो पहले स्टेप में मैं यहां से एक वॉल्यूम काटूंगा 2GB 4GB का, और उस वॉल्यूम को पहले मैं क्या करूंगा अटैच्ड कहां, डॉकर होस्ट पे। उसके बाद अटैच होने के बाद देन क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, कंटेनर्स ब्लॉक डिस्क को राइट नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर XFS EXT4 फाइल सिस्टम राइट नहीं कराओगे ना। मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम को जब तक फॉर्मेट नहीं करोगे आप लोग, तब तक कंटेनर्स कैन नॉट राइट डेटा इनसाइड द वॉल्यूम। तो दो काम आपको डॉकर होस्ट के ऊपर ही करने पड़ते हैं, कौन कौन से, अटैच और फॉर्मेट, तब जाके वो वॉल्यूम कंटेनर्स को मैं ऊपर दे पाऊंगा, राइट? तो इसके लिए हमें पहले मालूम करना चाहिए कि हमारे सिस्टम में अभी कितने वॉल्यूम अवेलेबल हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, अभी देयर इज ओनली वन डिस्क दैट इज कॉल्ड रूट डिस्क, जिसमें डॉकर होस्ट इंस्टॉल्ड है अभी तक। मैं इसके अंदर तो कंटेनर्स को रखूंगा नहीं, अब मैं इसके लिए आई एम टेकिंग सेपरेट वॉल्यूम। तो सेपरेट वॉल्यूम को पहले यहां तक पहुंचाने के लिए, जिसे क्लाउड नहीं आता, अब वो स्टेप देखे पहले कि क्लाउड में हाउ टू प्रोविजन वॉल्यूम एंड हाउ टू अटैच वॉल्यूम ओवर द इंस्टेंस। तो उसके दो स्टेप होते हैं, राइट? तो अमेजन क्लाउड में जब भी वॉल्यूम काटो आप लोग, एक बात ध्यान रखना, पहले इंस्टेंस का अवेलेबिलिटी जोन चेक करना है एक बार, आपका ये डॉकर होस्ट है उसका अवेलेबिलिटी जोन क्या है। ये अवेलेबिलिटी जोन दिख रहा है आपको सबको, यूएस ईस्ट 1D। थोड़ा जल्दी बंद करो, एक मिनट जाओ, वेट करो, थोड़ा समझाना भी है। तो सपोज दिस इज माय डॉकर होस्ट विच इज रनिंग इनसाइड द यूएस ईस्ट रीजन का नाम हो गया, और ये 1D जो है अवेलेबिलिटी जोन है। ये अमेजन का कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ मैं इस पर नहीं बोलूंगा अभी, बट वेन यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस इन क्लाउड, तो बिफोर क्रिएटिंग द वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक आउट योर अवेलेबिलिटी जोन, क्योंकि आगे चल के डिस्क का अवेलेबिलिटी जोन और इंस्टेंस का अवेलेबिलिटी जोन मैच होना चाहिए। इसलिए तो यहां चलो, अब दिस इज ईवीएस सर्विस, अमेजन का जो वॉल्यूम लिस्ट है ये आ रहा। यहां से बैठ के आप लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम प्रोविजन कर सकते हो स्टोरेज सर्वर से। स्टोरेज सर्वर अलग से कहीं पर कन्फिगर नहीं है, इसी डैशबोर्ड में ही आपके पास एक्सेस दिया हुआ उन्होंने। तो यहां जो क्लिक कर रहा हूं, ये क्लिक का मतलब वी आर टेकिंग एक्सटर्नल वॉल्यूम, अभी हम वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं बस, अटैच ही कर रहे हैं। यहां जाओ, ये वॉल्यूम क्रिएट के बाद ये कुछ वॉल्यूम के टाइप्स होते हैं, तो टाइप में अभी कुछ ज्यादा कुछ मत चूज करना, जो GP2 आ रहा डिफॉल्ट,
वही टाइप छोड़ देना, और यहां से आप ज्यादा नहीं तो अभी कम से कम एटलीस्ट आपको दिखाने के लिए मैं 2 GB स्पेस लेके चल रहा हूँ, और यहां से मुझे अवेलेबिलिटी जोन अभी लेना पड़ेगा 1D बस, राइट। और इस वॉल्यूम को एक नाम देना है मुझे, क्या एक वॉल्यूम को नाम दिया मैंने, क्या एक्सटर्नल भाई वहां से म्यूट कर लो। संजय मैं आपको यहां से निकाल दूं क्या ग्रुप में से, प्लीज यार वहां से आप ट्रेनिंग में हो तो म्यूट कर बैठो यार। कि आप भी श्वेता हो रहे हो हाँ, तो ये वॉल्यूम प्रोविजन हो गया, ठीक है भाई। अब वहां से आप खोलो कंट्रोल। सो वॉल्यूम प्रोविजन होने के बाद सेकंड स्टेप था वॉल्यूम को अटैच करना, राइट। सो अभी जस्ट ओनली वी हैव सेट अप वॉल्यूम, नाउ लेट्स सी हाउ टू अटैच। नहीं नहीं वहां मत जाओ, वॉल्यूम अटैच ही से होता है। वॉल्यूम अटैच करना है तो वॉल्यूम पे आओ और वॉल्यूम पे क्लिक करो, और यहां से यू कैन अटैच विद द स्टांस, राइट। ये जरूरी नहीं है, आप लोकल फोल्डर, आप अपना लोकल प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक दिखाने के लिए आप एक फोल्डर बिल्डअप कर लो, और ऐसा मानो कि इस पर डिस्क माउंटेड है बस, ऐसा मान लो भी आप। देखो भाई यहां से ना ये बंदा जो आईडी ले रहा है ना, स्टांस की आईडी, ये नहीं, ये समझ चेंज करो, ठीक है कर दो चेंज, कोई बात नहीं कर दो, ठीक है। एक मिनट जाओ, जल्दी मत करो, थोड़ा सा वेट कर लो। ये बॉस, ये वो नाम लोगे यहाँ पर जो आपकी स्टांस का नाम होगा। ये जो आईडी दिखा रहे हैं आपको 297, ये मेरे स्टांस की आईडी है जो डॉकर होस्ट है मेरा, राइट। और ये डिस्क का नेमिंग कन्वेंशन है जो आपको मशीन के अंदर जाके दिखेगा। अटैच करो, दैट्स इट। तो ठीक है वहां से इसकी इंस्टॉल कर लो बाबा। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, स्टांस से अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद ये वॉल्यूम आपको यहां दिखना चाहिए, देखो ये आ गया। ये बता रहा है कि आपने 2 GB का डिस्क बनाया हुआ है इसके अंदर, और ये डिस्क अभी कहीं माउंटेड नहीं है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि डिस्क ऐसे जाके कंटेनर पे माउंट आप नहीं कर सकते, कब तक, जब तक आप इसको पहले फॉर्मेट नहीं करोगे। मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे है, आप सबको मालूम होगा कि डिस्क फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है, नहीं है तो आप पूछ लो, बट आपको मालूम होगा इतना। तो डिस्क फॉर्मेट होने के बाद अब हमें कहीं इसको माउंट करना पड़ेगा किसी नाम से भले ही। मैंने इसको ले जाके इस पाथ के ऊपर मैंने इस डिस्क को, एक्सटर्नल डिस्क को उठाया डॉकर होस्ट के ऊपर, और उठाने के बाद इसको मैंने जाके माउंट कर दिया कहां। सर कंटेनर को आप क्या दिखाओगे फिर आप? अब कंटेनर के लिए भाइयों ये जो डेटा है ना वो ये होगा वॉल्यूम बस। ये फोल्डर जो है ना, अब आगे चल के कहां जाएगा ऊपर, इस डायग्राम में देखो, ये जो एम दिख रहा है आपको, एम या एम का मतलब क्या है, तुम्हारे वॉल्यूम का जो माउंट पॉइंट है ना, हमारे केस में माउंट पॉइंट क्या है, अभी स्टोरेज फोल्डर लिया है हम लोगों ने। अब ये स्टोरेज फोल्डर जाके मैं आगे माउंट करने वाला हूं कंटेनर्स के अंदर, कैसे। अब मैंने बोला कि वी आर क्रिएटिंग कंटेनर, MySQL नाम का कंटेनर है, और MySQL को वॉल्यूम दे रहा हूं, बता रहा हूं कि वॉल्यूम दे रहा हूं आपको किस पाथ के लिए, इसमें दो पाथ आ रहे हैं, एक तो पहला पाथ है होस्ट पाथ और दूसरा पाथ है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कंटेनर्स के अंदर होता है और सोर्स है आपके बेस मशीन का। इसका मतलब कंटेनर के अंदर बैरलिब MySQL में आने वाले कोई भी चेंजेस को वी वॉन्ट राइट ऑन स्टोरेज फोल्डर। तो मैं आपसे एक लाइन बोलूं, सर आपने बैरलिब MySQL क्यों लिया, कि आपको मालूम था? नहीं, ये तुमको इतना पता होना चाहिए आईटी में
कि हर कंटेनर की सर्विस का डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये कंटेनर्स के अंदर के डॉक्यूमेंट रूट डिफरेंट होते हैं क्या? ये वही पाथ है जो पहले लिनक्स सिस्टम पे हम लोग सेटअप कर रहे थे सर्विस को, MySQL को, एंजिनक्स को। तो हर सर्विस का अपना डॉक्यूमेंट रूट जो पहले था वही पाथ कंटेनर्स के अंदर भी सेम ही होता है। मुझे बताना मैंने पहले MySQL ही क्यों लिया, मैंने और कुछ क्यों नहीं लिया माउंट पॉइंट में? बोलो कोई बंदा, बोलो वहां से एक बंदा। सर जब इसको होस्ट पे हम नॉर्मली जब इंस्टॉल करेंगे, नेटिव इंस्टॉल होता है तब भी MySQL वही पे डेटा राइट करेगा, तो कंटेनर के केस में भी सेम बिल्कुल ही कि सर आपको परसिस्टेंट चेंजेस कराने थे तो आपको पता हो, तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि कंटेनर के अंदर किस एरिया में चेंज होता है, एप्लीकेशन लॉक्स कहाँ बनते हैं, कंटेनर्स में चेंजेस राइट कहाँ होते हैं। तो उसी डेटा को तो आप लोग वहां से मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम पर राइट कराओगे। पूरा कंटेनर के अंदर क्या बड़ा मैटर नहीं करता, हमारा ये डेटा जो है इस एरिया में आने वाले लॉक्स, इस एरिया में आने वाले चेंजेस लॉस ना हो जाए बस। तो हमने उस एरिया के ऊपर एक वॉल्यूम माउंट कर लिया है, बैडली MySQL एक ऐसा फोल्डर है जहां कंटेनर्स बार बार चेंज करता रहता है बैठ के, बाकी सब जो डेटा है वो मॉडिफाई नहीं होते, वो तो हम दोबारा डिप्लॉय कर सकते हैं कंटेनर्स को। Got it ना? जी सर ठीक है भाई, बाकी सबको मालूम चल गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? अश्विनी, अतुल, चंदन, यस सर, ठीक है, राइट। ये तो सबको पता है कि एक एक वेरिएबल चाहिए इसको MySQL को। सर इसको प्रूफ करो कि डेटा लॉस हुआ कि नहीं हुआ। देखो मैं एक बना के डेटा लॉस कंटेनर को लॉस करूंगा पहले, तब दिखाता हूं मैं आपको प्रैक्टिकली। सपोज करना ठीक है, अब तुम एक काम करो कंटेनर्स के अंदर चलो, डॉकर एग्जीक्यूट -it MySQL /binbash, आप MySQL कंटेनर्स के अंदर आ गए राइट। MySQL डेटाबेस का लॉगिन करो ठीक है, डेटाबेस का जो पासवर्ड दिया था आपने वो था रेड हैट, पासवर्ड से आप लॉगिन हो गई। अब डेटाबेस की टीम ऐसा मानो कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, ये कुछ ऐसा डेटा है जो एप्लीकेशन टीम से बार बार कंटेनर्स के अंदर आता है, बाहर से आता डेटा ये, एग्जाम्पल डेमो, तो समथिंग चेंजेस हैं जो डेली होते हैं डेटाबेस के अंदर राइट। और इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ कि आपसे डेटाबेस लॉस हो गया, कंटेनर चला गया आपका, लेकिन प्रॉब्लम की नीड ही नहीं है कोई भी आपको, क्योंकि वो जो डेटा था वो कंटेनर्स की ओवरले में था ही नहीं, वो आपने एक्सटर्नल वॉल्यूम पे माउंट किया था। तो सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, यू विल सेटअप न्यू कंटेनर्स एंड यू विल माउंट एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। कैसे? डॉकर रन -d देयर इज न्यू टेस्ट कंटेनर, और उसी वॉल्यूम को उठा के दोबारा कहां पहुंचा दो? सेम प्लेस के ऊपर दोबारा माउंट कर दो, जिससे क्या होगा डेटाबेस हमने क्रिएट किए थे आप यहां इस वाले इंजन में भी देखेंगे आप राइट। आप फिर से कंटेनर में जाओ और आपको ये देखना पड़ेगा कि नए कंटेनर के अंदर पुराने डेटाबेस हैं कि नहीं। डॉकर लॉगिन करो, सो क्या हो रहा है? डेमो, एग्जांपल्स और टेस्ट, ये तीन डेटाबेस थे जो आपने एग्जिस्टिंग एक पुराने कंटेनर्स के अंदर राइट किए थे, वो चला गया, तो नए कंटेनर्स के अंदर भी आपको डेटा मिल गया वापस। इसका मतलब परसिस्टेंट डेटा हो गया, क्योंकि वो डेटा राइट हो कंटेनर्स के अंदर नहीं रहा था। वो राइट कहाँ हो रहा था? वो राइट भाई यहाँ हो रहा था आपका, यहाँ चेंजेस आपके राइट हो रहे हैं बेसिकली। Got it?
सर अब मैं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करने वाला हूँ, मेरी बात पे ध्यान देना एक बार, इंटरव्यू लेवल से बात कर रहा हूँ। तुमसे एक बात पूछी आती है कि डॉकर कमिट कमांड भी समथिंग डूइंग सेम थिंग ना, कंटेनर्स के चेंजेस को यू वांट टू बिकम परसिस्टेंट। तो मैंने आपसे क्या बोला था, डॉकर चेंज करो कमिट मारो, चेंज करो कमिट मारो, और फिर मैं बता रहा हूँ आपको वॉल्यूम लेना। तो कंटेनर के चेंजेस को कमिट करना और वॉल्यूम पर राइट करने में फर्क क्या है दोनों में, एक बंदा बोलना। डॉकर कमिट कंसेप्ट और डॉकर वॉल्यूम में क्या फर्क है फिर? तो कमिट करके आप जो भी चेंजेस हम ऐड कर रहे हैं, जैसे एचटीटीपी आपने बताया था, तो व्हाट एवर सर्विस दिया नहीं, उस नए इमेज में क्रिएट हो रहा है बाय द कमिट कमांड जो भी चेंजेस है, चाहे सर्विस। और वॉल्यूम में मैं एक्स्ट्रा एक स्पेस लेके उस पर क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि अगर मेरा कंटेनर डाई भी हो जाए, आई कैन राइट। सर कमिट ऑपरेशन वर्जनिंग भी हो रही थी ना, वर्जनिंग और इमेज बन रही थी। सर कमिट ऑपरेशन तो इमेज की डिपेंडेंसी दे रहा है आपको, वो तो इमेज बना के दे रहा है, चेंजेस को इमेज में मर्ज कर दे रहा है। बट सर हमें यूजर लेवल के चेंजेस को इमेज के अंदर रखने का फायदा क्या है? इमेज में क्या रखते हैं? योर एप्लीकेशन फाइल्स, लाइब्रेरी, पैचेस, वर्जन। तो सर कमिट हमेशा करते हैं जो डेटा हमें पता है कि इमेज के अंदर रखना है, क्योंकि कंटेनर्स के अंदर हमें चाहिए बार बार। बट जो डेटा यूजर लेवल का डेटा होता है, उस यूजर के यूजर लेवल डेटा को हम एक तो फ्रिक्वेंटली कमिट कर कौन पाएगा, ये सोचो आप। एक कंटेनर लाइव चल रहा है, इसमें हर 10 मिनट के बाद डेटा आ रहा है, आप बताओ। अब कौन इसको बार बार कमिट करे, और जितनी बार कमिट करेगा उतनी लेयर क्या होती जाएंगी सर, लेयर ऐड होती जाएगी सर। सर ये तो पॉसिबल प्रैक्टिस थोड़ी है। तो कमिट ऑपरेशन करने का मतलब था व्हेनेवर यू वांट मेक एनी चेंजेस इनसाइड द इमेज। आपने इमेज में कुछ किया, इमेज के नए वर्जन में आपको देखना है चेंजेस को। तो यूजर साइड का डेटा होता है एप्लीकेशन लॉग्स, द डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम यूजर साइड, उसको कमिट नहीं करते कभी भी हम लोग, उसको वी ऑलवेज कीप ओवर द सेपरेट वॉल्यूम, क्योंकि वो डेटा इमेज का पार्ट नहीं है, वो डेटा हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम का डेटा है। व्हेनेवर वी लॉन्च कंटेनर, बस वहां हमको डेटा देना होता है खाली, बस गॉट इट ना। तो डॉकर कमिट से परसिस्टेंट अलग चीज हो रही है, और डॉकर वॉल्यूम से परसिस्टेंट अलग हो रहा है। डॉकर वॉल्यूम से वी आर परसिस्टेंट यूजर लेवल चेंजेस, और जो डॉकर कमिट था वी आर बेसिकली कमिटिंग एप्लीकेशन चेंजेस, कॉन्फिग फाइल हो गई, सर्विस की फाइल हो गई, जो हमें इमेज के अंदर चाहिए, जिनका साइज बहुत कम है, राइट ना? यस सर। और 5 टेराबाइट का डेटा है यूजर का, उस 5 टेराबाइट के डेटा को इमेज के अंदर पैक करके कहां ले जाओगे उठा के फिर उसको? वो तो कोई काम का नहीं, रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई आपकी। Got it? अब एक तरीका और है मेरे पास डॉकर को वॉल्यूम देने का। ये डॉकर को वॉल्यूम देने का एक पहला मेथड था,